इस धूप में सनग्लासेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके केस। अब मेरे पास मेरे ग्लासेस के कोई भी केस थे नहीं, तो मैं उन्हें अपने बैग में ही रखता था। लेकिन बैग में रखने की वजह से प्रॉब्लम ये थी कि थोड़ा भी प्रेशर या कोई हल्का सा भी पंच मार देता था तो वो टूट जाते थे, और मेरे लगभग 3 चश्मे ऐसे ही टूट गए थे क्योंकि मैं उन्हें अपने बैग में ही ऐसे रख देता था। और मैंने फिर केसेस ढूंढना शुरू किया। मेरे घर पे मुझे 2 केस मिले, जिसमें एक में मेरा चश्मा फिट नहीं आया, दूसरे में आया लेकिन वो मम्मी का था। तो मैं अपने कवर्ड में, जो कि सो कॉल्ड स्टोर रूम में, ढूंढने लगा एंड मुझे मिला ये बॉक्स। ये बॉक्स था तो अच्छा, जो मैंने ट्रिमर लिया था रियलमी का उसका था, और ये परफेक्ट था क्योंकि इसमें मेरा चश्मा आराम से चला जाता था और आराम से मेरे बैग में भी फिट हो जाता था, तो मुझे ये बहुत परफेक्ट लगा। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये थी कि ये दिखता बहुत अजीब था, और मुझे 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका था इस बॉक्स को यूज़ करते हुए। और एक अच्छी चीज़ ये थी कि मेरा जो चश्मा था वो मैं हमेशा मेरे जो रूम में टेबल है जो कि ब्लैक कलर का है वहाँ पे रखता था, और मेरे रूम की लाइट हमेशा बंद रहती थी, तो मैं जब भी निकलता था मम्मी मैं जा रहा हूँ, तो मैं हमेशा उस चश्मे को मैं देख नहीं पाता था क्योंकि सरफेस भी ब्लैक था, चश्मा भी ब्लैक था और रूम भी ब्लैक था, अंधेरा था। जब से मैंने इस बॉक्स से स्विच कर दिया था तो इसका कलर येलो था, जिसकी वजह से वो मुझे इजीली कितना भी अंधेरा हो दिख जाता था। मम्मी मैं जा रहा हूँ। तो ये बॉक्स मुझे बहुत ही परफेक्ट लगा, मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं लगी। बस एक प्रॉब्लम थी इस बॉक्स के साथ, वो थी इस पे जो ट्रिमर बना हुआ है वो, तो इसको चेंज करना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी सडनली भी मैं इसको देखता था तो मुझे याद आता था कि हाँ ये तो ट्रिमर है, ये नहीं याद आता है ये तो मेरा सनग्लासेस का बॉक्स। तो मैंने सोचा इसमें थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। तो प्लान में चेंज ये है, तो सीन ये है कि हम तीनों साथ में ट्रेन करते हैं, मैं, यश और यश, तो दोनों ही यश आज नहीं आ रहे, एक को बाहर जाना है, दूसरे ने आज ब्लड डोनेट किया इसलिए वो नहीं आ सकता, तो आज अकेले ट्रेन करना पड़ेगा। वैसे मुझे अकेले ट्रेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट शूट कौन करेगा उसी का प्रॉब्लम है, वरना शुरू में जब मैंने जिम शुरू किया था बस उसी का प्रॉब्लम है, अदरवाइज तो जब मैंने जिम शुरू किया था तब मैं अकेले ही ट्रेन करता था। शुरू के 3 साल तक तो मैंने अकेले ही ट्रेन किया है, वर्कआउट पार्टनर कभी मेरा था ही नहीं, तो कभी मुझे डीमोटिवेटिंग लगता नहीं है अगर जो वर्कआउट पार्टनर ना हो तो, इसलिए।